हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों, 2 HP जो मोटर होता है, चक्की वाली मोटर, इसमें कई बार होता है क्या है कि दोस्तों ये जो पुली लगी हुई होती है इसके नीचे बैरिंग होता है तो ये कई बार ख़राब हो जाता है तो हमको बदलना पड़ता है। तो बदलने के लिए हमको पुली को निकालना पड़ता है। पुली बहुत टाइट होता है, आपको मैं बता देता हूँ कि पुली बहुत टाइट है। तो दोस्तों पुली अगर टाइट रहती है तो हमको क्या करना है, सबसे पहले 1 घंटे पहले हमको इस तरह का ये तेल होता है, ये तेल इसके अंदर डाल देना है और 1 घंटे पहले हमको रख देना है। तरह से डालकर मोटर को बिल्कुल 1 घंटे खड़ा करने के बाद हमको क्या करना है, इसको उठाना है और हल्की हल्की इसको चोट देनी है। इस तरह से हल्की हल्की हमको चोट देना है, ये थोड़ा लूज हो जाए, ज़्यादा तेल नहीं करना है, हल्का हल्का इस पर देना है ताकि ये थोड़ी जगह छोड़ दे और फिर इसको धीरे धीरे इस तरह से देते रहना है। तो देखिए कुछ जगह बना हुआ है, देखिए यहाँ से जगह बन गया है, आप देखिए पुली के पास में जगह बन गया है। तो इस तरह से हमको घुमा घुमा कर पूरी आ रहा है बाहर। ये देखिए निकल गया। दोस्तों पुली निकालने से पहले हमको ये तेल हमको डालना है, केरोसिन भी डाल सकते हो या आजकल मार्केट में स्प्रे मिल रहा है जो जंग छुड़ाने वाला, वो भी डालकर थोड़ी देर हमको छोड़ देना है। दोस्तों ये जो थिनर है वो जो इसमें कलर में मिलाते हैं वही मैंने लाया था, तो मैंने ये इसके अंदर डाल दिया है और इससे देखिए ये पुली है वो आसानी से निकल गई है। अब हम आसानी से इसका जो बैरिंग है वो बदल लेंगे। तो चलो बैरिंग बदलते हैं। बैरिंग बदलने के लिए हमको एक लकड़ी के गुटके की जरूरत पड़ेगी, इस पर डालकर हमको बेयरिंग है वो निकल चुका है, ये देखिए। तो दोस्तों अब भी हमको एक दिक्कत आएगी ये वाला बेयरिंग निकालने, तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर इस तरह से लगाकर, पुलर हो तो पुलर से आप निकाल सकते हो, अगर पुलर आपके पास नहीं है इस तरह से दोस्तों इस तरह से पुली को निकालते हैं, इस तरह से बेयरिंग को निकालते हैं। दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।